सो हे गाइस, सबसे पहले आप लोग इस सिंपल वीडियो को देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग इस एडिटिंग के वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ और गोरा किया गया है। एंड साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड को काफी अच्छे तरीके से ब्लर भी किया गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड इसको ओपन करने से पहले सबसे पहले आप लोग कोई भी वीपीएन का यूज कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे आने के बाद जिस वीडियो को एडिट करना होगा उस वीडियो को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद नीचे यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का वीडियो आ चुका है। तो सबसे पहले लास्ट में आ जाना है। एंड आप लोग का जो भी फालतू हिस्सा होगा या उसका बाहरी हिस्सा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे टैप कर देना, ठीक है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्पीड का ऑप्शन होगा, तो स्पीड पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इस वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर टैप करके नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से इस वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना होगा और नीचे यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो डिलीट कर देने बाद दोस्तों इसके बाद सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लाइट वाइट एडजस्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे नीचे एडजस्ट का ऑप्शन होगा, तो एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आ जाने बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ग्राफ्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ग्राफ्स पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले क्या करना होगा, इस व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 डॉट, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 डॉट, ठीक है, और एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे 3 डॉट, इतना कर लेने वैसे ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइट को एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। एंड इसके बाद तीसरे वाले डॉट को हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बैक आ जाएंगे, ठीक है। एंड बैक आ जाने के बाद फिर से क्या करना होगा, इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं लाइट एडजस्ट हो चुका था। इसको अभी सही करने के लिए, यहाँ पे फेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे टैप कर देना, ठीक है। और टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे रिटच का ऑप्शन होगा, तो रिटच पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे फेस लिखा है, तो फेस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे इसका ऑपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं 50, आप लोग का जहाँ भी फेस स्मूथ अच्छा रहेगा उतना तक रख लेना, ठीक है। मैं इसको 60 के करीब रख लूँगा। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्किन टोन का ऑप्शन होगा, तो स्किन टोन पे क्लिक करके आप लोग कोई भी स्किन टोन रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा, तो हम लोग का हल्का सा फेस येलो टोन बन जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, फेस को गोरा करने के लिए यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे ब्राइटन का ऑप्शन होगा, तो ब्राइटन पे क्लिक कर देना है। एंड आप लोग अपने हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 50 के करीब रख लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इतना कर लेने बाद देख सकते हैं फेस काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ और गोरा हो चुका है। एंड ऊपर उस पर क्लिक करके इस वीडियो को हम लोग 4K में सेव करें, ठीक है। एंड ऊपर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वीडियो को हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड सेव कर लेने के बाद दोस्तों इसके बाद क्या करना होगा, सेम इसी वीडियो को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो को हम लोग फिर से दोबारा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसी वीडियो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस वीडियो को हम लोग एडिट किए थे। एंड इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे आप लोग का इफेक्ट का ऑप्शन होता है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड फिर से नीचे यहाँ पे नीचे वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन होगा, तो वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तो आप लोग को यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे नीचे लेंस का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे बगल में, ठीक है। तो लेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लर का ऑप्शन होगा, तो इस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग का पूरा वीडियो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर से इसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। और इसको हम लोग लगभग अगर आप लोग 4K में सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑपेसिटी देख सकते हैं, इसको हम लोग 50 अगर आप लोग 4K में सेव करिएगा तो इसको कम कर लेना, ठीक है, 60 के करीब रखना है, ठीक है। अगर आप लोग 1080 पे सेव करेंगे तो इसको 30 के करीब रख लेना है।
और 4K में सेव करना होगा तो आप लोग 60 के करीब रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको 4K में सेव करूँगा, तो इसको यहाँ से सेव कर लेना है एंड फिर से इस पर टैप कर लेना, ठीक है। टैप करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में ले जाना है, ठीक है। एंड इसके बाद सबसे पहले इसको लास्ट में ले जाना है और फिर से क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करके वाटर मार्क को हम लोग यहाँ से डिलीट कर लेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर हो चुका है, ठीक है। ब्लर हो जाने के बाद फिर से नीचे यहाँ पे आ जाना है, ओवरले पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद फिर से नीचे इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और जिस वीडियो को हम लोग ओपन किए थे फिर से उसी वीडियो को हम लोग ऐड कर लेंगे। और यहाँ से ऐड कर लेने में दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरीके से जूम करके वीडियो को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव बीजी का ऑप्शन हुआ, तो रिमूव बीजी पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे नीचे ऑटो रिमूवल का ऑप्शन हुआ तो इस पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक पूरे बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर ऐड हो चुका है। एंड ऐड हो जाने के बाद फिर से क्या करना होगा, नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। एंड आप लोग देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर ऐड हो चुका है एंड साथ ही साथ फेस स्मूथ और गोरा हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को पसंद आएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग 4K में सेव कर लेंगे और उस पर क्लिक करके इस वीडियो को हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सेव कर लेने के बाद मैं आप लोग को दिखला देता हूँ एडिटिंग करने के बाद वीडियो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग का वीडियो एडिट हो चुका है एंड साथ ही साथ ब्लर काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड हो गया। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।